कारगिल वार की शुरुआत होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम ताशी नामग्याल था अपनी खोई हुई आग को ढूंढ रहे थे दूरबीन से। तभी कुछ लोग दिखे पहाड़ी पर, उन्हें शक हुआ और पास के पोस्ट पर आर्मी को जाके इन्फॉर्म करते हैं। आर्मी इस इंसिडेंट को चेक करती है और ये कन्फर्म हो जाता है कि पाक से आए घुसपैठिए हैं ये। वो कुल 130 पोस्ट पर कब्जा कर चुके हैं। वार की शुरुआत होती है, इस वार के कई हीरो थे, लेकिन आज इस पार्ट में जानेंगे योगेंद्र सिंह यादव की कहानी। 3-4 जुलाई की रात टाइगर हिल अपने कब्जे में लेने के लिए 1000 फीट की खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना था। करीब 22 जवानों का ग्रुप चढ़ना शुरू करता है। 500 फीट जाते ही दुश्मन मशीन गन से ऊंचाई से हमला कर देते हैं। जवान ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव 940 फीट पर पहुंच गए होते हैं। तब तक 3 गोलियां आकर लगती हैं, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए पहाड़ी के टॉप पर पहुंच के दुश्मनों पर ग्रेनेड से हमला बोल देते हैं। वह टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा देते हैं। इन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है। कारगिल वार में कुल भारत के 527 सैनिक शहीद, 1300 जवान घायल हुए थे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।